हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लास्ट सेशन की जो है कि लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं मिक्सर। ओके, मिक्सर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मिक्सर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में कंबाइंड होते हैं, नॉट केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। ओके, समझ लेना अच्छे से। वहाँ जो कंपाउंड होते हैं वो जो कंपाउंड होते हैं वह केमिकली कंबाइंड होते हैं, बट हेयर आर नॉट कंबाइंड केमिकली। ओके, केमिकली कंबाइंड नहीं होते ये मिक्सचर। ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्सचर, जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सभी के सभी मिक्सचर्स होते हैं। जैसे कि एयर हो गया, इंक हो गया, कैरोसिन, चॉक वाटर मिक्सचर एट्सेट्रा, चॉक वाटर मिक्सचर, ये सारे के सारे क्या है, मिक्सर के ही एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिक्सर कौन कौन से टाइप के होते हैं। मिक्सर आर ऑफ टू टाइप्स, मिक्सर जो है कि दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, दोज मिक्सर्स इन विच द सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सर। दो या जब कोई भी सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और उन्हें हम जो है कि अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर। ओके, ऑल दी होमोजीनियस मिक्सर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, जितने भी होमोजीनियस मिक्सर हैं वो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन होता है वो। ठीक है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं। ओके, अब ये कंपाउंड, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं वो भी केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ओके, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से जो है कि हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स, अभी डिफरेंट है मिक्सर का और कंपाउंड्स का, कंपाउंड्स और मिक्सर के डिफरेंस बिटवीन। ओके, मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस। मिक्सर जो है कि फिजिकल प्रोसेस जो है कि सेपरेट किया जा सकता है मिक्सर को, बट कंपाउंड को नहीं किया जा सकता। अब मिक्सर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मिक्सर होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, बट हेयर पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा सब्सटेंस होता है कंपाउंड के अंदर, जो सब्सटेंस होता है पूरी पूरी एक ही प्रॉपर्टी शो करता है, अलग अलग प्रॉपर्टी शो नहीं करता, एक ही प्रॉपर्टी शो करता है। थर्ड है, एनर्जी यूजुअली नाइदर आउट नॉर एब्जॉर्ब, नाइदर गिवन आउट है, यहाँ पर गिवन है, ना ही एब्जॉर्ब। जो मिक्सर है, मिक्सर में जो है कि ना तो एनर्जी देनी पड़ती है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, बट यहाँ कंपाउंड में जो है कि एनर्जी दे भी जा सकती है और एब्जॉर्ब भी की जा सकती है। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। मिक्सर के अंदर कोई भी कंपोनेंट जो है कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के कंबाइंड नहीं होता है, बट कंपाउंड में जो है कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के कंबाइंड होते हैं वो भी केमिकली कंबाइंड होते हैं। ओके, उन्हें मिक्स कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मेथड से हम जो है कि कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। अ मिक्सर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। मिक्सर का कभी भी जो है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, बट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अभी द केस ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस सब्सटेंसेस एंड हीट इज ऑल्सो यूजुअली इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है कि होमोजीनियस मिक्सर हैं, उनमें या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट इवॉल्व होती है प्रिपरेशन के टाइम पर। इवन देन अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सर, बिकॉज जो सॉल्यूशन जो हैं वो मिक्सर होते हैं, क्योंकि इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। हमें जो है कि सेपरेट कर सकते हैं सभी कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज शो करता है। इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी इट डज नॉट हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, उनका कोई भी
फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है ओके सॉल्यूशन की। अभी है द केस ऑफ अलॉयज। एन अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अलॉय जो है कि होमोजीनियस मिक्सर होता है ओके मेटल का होता है। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है वो अलॉय बनाते हैं ओके जो कि वो एक होमोजीनियस मिक्सर होते हैं। उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड के द्वारा। एन अलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सर। अलॉय जो है कि मिक्सर ही है बिल्कुल सटीक बात है। ब्रास इज कंसिडर्ड अ मिक्सर। ब्रास जो है एक मिक्सर होता है ओके मिक्सर मतलब क्या अलॉय तो ब्रास एक क्या है अलॉय है और क्या है। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉपर एंड जिंक एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। जो ब्रास जो है कॉपर एंड जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। कॉपर और जिंक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं ब्रास बनाते हैं। उन्हें जो है कि हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते ओके। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ठीक है। लाइक मेरे जो है कि वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ओके। ऑल द बेस्ट और मेरे साथ जुड़े रहिए।